जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, नोकिया G60 लॉन्च हो गया है, जो नोकिया का नया 5G फोन है। चलो उसके बारे में सब बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, 401 का PPI, 400 nits का टिपिकल ब्राइटनेस, पीक तो बताया ही नहीं है, बस इतने डिस्प्ले स्पेक्स हैं। और सोने पे सुहागा ये है ना, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, बहुत ही बड़ा वाला चिन मिल जाता है, जो आपके फोन को और भी प्रीमियम लुक देता है, आपका फोन और भी महंगा दिखाई देगा। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? आप यकीन नहीं करोगे, ये फोन 25,000 रुपए का फोन है और 25,000 रुपए में नोकिया इतने वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ यार। कितने में बिका, किसे कह रही है? और आप भी यकीन नहीं कर पा रहे होगे, और भाई 25,000 रुपए में बाकी जो ब्रांड्स हैं कितने बेकार बेकार स्पेक्स देते हैं यार। मोटोरोला को देख लो, मोटो H30 कितना बेकार फोन है, कितने बेकार स्पेक्स देता है वो। आईकू नियो 6 को देख लो, पोको F4 को देख लो, ये सारे बेकार स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छे फोन नहीं है। सबसे अच्छा फोन यही है नोकिया G65G। कितने में भी कहा? कैमरास की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। इतने अच्छे कैमरास, ओ माय गॉड, 25-26 हज़ार रुपए के फोन्स तो यार बहुत अच्छे कैमरास दे देते हैं, लेकिन ये तो उनसे भी अच्छे कैमरास दे रहा है। सही कह रहा हूँ ना मैं? भले ही ओमनीविजन के सेंसर्स का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, नोकिया का ऑप्टिमाइजेशन है ना। बस बहुत हो गया यार, और सार्केस्टिक वे में नहीं बोल पाऊंगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR4X रैम टाइप, LPDDR5 रैम टाइप, वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, बेकार रैम टाइप है, LPDDR4X रैम टाइप ज्यादा बेटर है, इसलिए तो नोकिया दिया अपने को। 4500 mAh बैटरी आपको मिल जाता है, 20W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वो बात अलग है कि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नोकिया प्लैनेट को बचाने के लिए बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दे रहा है। 20W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, देखिए कितनी ऑसम बात है, तुम लोग फील करो यार, तुम लोग खुश नहीं हो रहे हो। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं, यही मेन स्पेक्स है, बस और कुछ नहीं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का क्या करोगे, VC लिक्विड कूलिंग का क्या करोगे, ये सब बेकार चीज होते हैं, ये सब अच्छे फोन्स में नहीं होते। शाबाश। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो वो बात अलग है कि जो 25-26 हज़ार रुपए के फोन है, स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 720 HD प्लस और बहुत अच्छे अच्छे मीडियाटेक के प्रोसेसर दे देते हैं, मीडियाटेक डिमेंसिटी 920, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे धातु प्रोसेसर के साथ अपने फोन को लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा नोकिया है, बहुत ही दिमाग लगा के काम किया, स्नैपड्रैगन 695 दिया। भाई नोकिया का फोन है, नोकिया का ब्रांड वैल्यू है यार, समझो इस बात को। Qualcomm Snapdragon 695 25-26 हज़ार रुपए में बेस्ट प्रोसेसर है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब चलो यारो, बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन आता है 8.61 mm के थिकनेस के साथ, 190 ग्राम इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हल्का है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको भारी महसूस होगा। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो देखने में एकदम प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है कि भाई 70-80 हज़ार रुपए का फोन है। ऐसे डिजाइन वाले फोन बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं, मतलब कि एप्पल का जो आईफोन है ना, कोई भी आईफोन को पकड़ लो इसके सामने फीका ही दिखाई देगा। इनफैक्ट जो आईफोन 14 सीरीज के आईफोन आ रहे हैं वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, डिजाइन वाइज ये सबसे बेस्ट डिजाइन है, ठीक है। और अगर आप आगे से देखोगे तो भाई क्या लुक्स दे देता है, भाई क्या स्टाइल है वाटर ड्रॉप नॉच का, क्या चिन्ह है भाई, देख के मजा आ जाता है। बिल्ड वाइज बात कर ले तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम दे देता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी, और जो प्लास्टिक है ना वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो सोच सकते हो भाई कितना अच्छा क्वालिटी वाला अपने को प्लास्टिक मिल रहा है इसमें। सुल्तान, अबे रुक, ए सुल्तान, ए क्या कर रहा है, अबे अब चलो यारो, बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी बारे में। तो ये स्मार्टफोन अमेरिकन मार्केट्स में लॉन्च हो गया है, केवल एक ही रैम वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, देखिए कितना अच्छा काम किया, 6+128GB देने के जगह पे 4+128GB दे दिया, चाहता तो 4+64GB भी कर सकता था लेकिन 128GB किया। देखिए ये नोकिया है भाई, नोकिया का ब्रांड वैल्यू, नोकिया का स्टाइल, नोकिया का स्वैग। 24,700 रुपए का प्राइस है, 24,700 रुपीज। तो आपको प्राइस कैसा लगा कमेंट करके बताना। यस साला, ये बहुत ही खतरनाक।
इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब चलो यार वो बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा? होगा तो कब तक लॉन्च होगा? हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो यारो, ये बहुत अच्छा फोन है। ये इतना अच्छा फोन है कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रहा सवाल कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, नोकिया का स्टाइल है, नोकिया का स्वैग है, वो अपने मन से अपने स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करता है। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी लॉन्च कर सकता है। और रहा सवाल इसका क्या प्राइस हो सकता है, नोकिया का प्राइस रखने का स्टाइल बहुत ही निराला है, एकदम कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो बहुत ही हाईफाई प्राइस पे अपने फोन्स को लॉन्च करता है ना, तो उसका कोई हम लोग स्टाइल पकड़ नहीं सकते हैं कि भाई इसका क्या प्राइस हो सकता है। हो सकता है आपको ये 40,000 रुपए में दिखाई दे दे, हो सकता है 30,000 रुपए में दिखाई दे दे, कुछ भी पॉसिबल है बॉस। फिर भी अगर मुझे इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलेंगे, मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूंगा। चलो यारो, इसी के साथ विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With the best, 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 with the best,